नागपुर शहर में आगामी कुछ दिनों में G20 परिषद होने जा रही है। इस परिषद में आने वाले अतिथियों के सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई है। इस बात की जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पत्र परिषद में दी। जहाँ एक और पूरा शहर G20 परिषद के लिए सज रहा है, वहीं शहर के अलग अलग जगहों पर फैले भिखारियों का मुद्दा फिर एक बार सामने आया है। शहर तो सुंदर बन रहा है, मगर अब इन लोगों का क्या, ये सवाल खड़ा हो रहा है। इसी सवाल को लेकर हमारी टीम ने पहले मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी से बात की तो उन्होंने बताया कि मनपा इन लोगों को पूरी व्यवस्था नहीं कर सकती, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ व्यवस्था मनपा कर सकती है। वहीं शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा G20 में शामिल होने वाले अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था की गई, साथ ही शहर में फैले इन लोगों के लिए क्या हो सकता है, इसके लिए मनपा और पुलिस विभाग में चर्चा चल रही है, जल्दी उचित निर्णय लिया जाएगा। G20 संदर्भात पुलिस बंदोबस्त चे पूर्णपणे नियोजन करण्यात आलेले आहे। जे डेलिगेट्स येत आहेत त्यांचे प्लेन क्लोथ्स मध्ये वैयक्तिक PSOs देण्यात येत आहे। एअरपोर्ट असतील, बाकी इतर ज्या ज्या ठिकाणी ते भेट देणार आहे त्याची सर्वची सुरक्षा व्यवस्था, रस्त्यावर फिरणारे म्हणजे रोड मूव्हमेंटसाठी पण त्यांचे सुरक्षाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे आणि उत्तम प्रमाणे हे व्यवस्था राहील याची खात्री करण्यात येत आहे। आत्तापर्यंत त्याची चर्चा सुरू आहे, योग्य प्रमाणे निर्णय घेऊन आवश्यक बंदोबस्त डिप्लॉय होणार आहे। या विषयावर नागपूर पुलिस पूर्णपणे संवेदनशील आहे, महानगरपालिका यांचे सोबत समन्वय सुरू आहे आणि त्याबद्दल लवकरात लवकर कायदेशीर निर्णय घेण्यात येईल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।